तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका राइडर एसपी यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, फाइनली टीवीएस की अपाची 165 RPM बाइक लॉन्च हो गई है। तो देखते हैं ये बाइक यमा MT15 से भी ज़्यादा खास क्यों है एंड इसमें और स्पेशल क्या है। तो इससे पहले टीवीएस के रेडर 125 ने अपने फीचर्स और लुक से सबको अपना दीवाना बनाया था और अब ये अपाची 165 RPM तो 100% एक बेटर प्रोडक्ट निकल कर आएगी जिसने आते ही लोगों के दिल में जगह बना ली। बात करें इसके लुक्स की तो कहीं से भी कोई कमी इसके अंदर नहीं लगती क्योंकि इसके जो ग्राफिक्स है ना काफ़ी शानदार है। तो बात करें इसके इंजन की तो पहले अपाचे 160 में 160cc का इंजन मिलता था लेकिन अब 165 RPM में 165cc का दमदार इंजन देखने को मिलेगा। जिसके पावर की बात करें तो इसमें 19.2 PS की पावर हमें मिलेगी और 14.2 Nm का इसमें टॉर्क भी मिलेगा जो कि यही बात इसको MT15 बाइक से बेटर बनाती है। साथ ही ये एक फ्यूल इंजेक्शन वाली बाइक है और इसमें स्लिपर क्लच भी मिलेगा जिससे बाइक की गियर शिफ्टिंग और भी ज़्यादा इजी और स्मूथ बन जाएगी। और इसके मीटर में आपको कुछ स्पेशल चीज़ें देखने को मिल सकती है जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह वगैरह। तो इसके फ्रंट में 270mm का डिस्क और रियर में 240mm का डिस्क विद ABS। तो जितनी बेटर और पावरफुल ये बाइक है उतने बेस्ट अब इसके ब्रेक बन गए। साथ ही ये 5-speed गियर बॉक्स के साथ आने वाली है जिसकी वजह से इसका पिकअप भी काफ़ी दमदार देखने को मिलेगा। तो इसकी हाइट, वेट, लेंथ, ग्राउंड क्लियरेंस आपको स्क्रीन पे शो हो ही रहा होगा। और इसके टॉप स्पीड की अगर बात करें तो वो 145 के आसपास होने वाली है। माइलेज की बात करें तो 40 से 45 तक का माइलेज इसमें देखने को मिलेगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें अपाचे 165 के जैसे ही सेम देखने को मिलेगी। और सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन वो है इसकी प्राइस, तो लगभग 1,70,000 के आसपास ऑन रोड मिल जाएगी। तो ये थी इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन। तो कौन कौन इसको ख़रीदना चाहता है और किस किस को ये बाइक पसंद आई है कमेंट करके आप बता सकते हैं। पर्सनली मुझे तो इसका लुक और पावर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, मन तो करता इसको ख़रीद लूँ लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले मैंने होंडा SP125 को परचेस किया है तो अभी तो नहीं ले सकते क्योंकि उतना बजट भी नहीं बनेगा। तो कोई बात नहीं यार, अगर आपका सपोर्ट रहता है ना तो अपाचे 165 RPM को भी ख़रीद लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। बाकी जल्दी मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो के साथ।